अच्छा सुन बेटा, तेरे भैया ने फोन किया था। क्या कहा? बेटे को देखने के लिए बुला रहे हैं। देखने के लिए या देखभाल के लिए? ऐसी बातें मत कर बेटा। और नहीं तो क्या माँ, बेटा पैदा होने के 6 महीने बाद तो उसे माँ की याद आई, अब उसे आया की जरूरत होगी, इसलिए आपको फोन किया होगा। अपना मुंह बंद करेगा, वो तुझे आगे पढ़ाना चाहता है बेटा, इसलिए हम दोनों को वहाँ बुलाया है। सच में? तूने जो सुना वही सच है। फाइनल सेमेस्टर में कोई कॉलेज बदलता है क्या? कह रहा था बच्चा बिल्कुल तेरे पापा पर गया है, जाते है ना बेटा। मेरी बात आपको याद है ना? कौन सी बात? मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था, फिर भी पूछ रहे कौन सी बात? घर में मेरी बहन है जो शादी लायक है, अगर तुम्हारा भाई भी यहाँ रहेगा तो ठीक रहेगा क्या? शादी हुई तो सिर्फ पति की जरूरत होती है, बीवी के पति के रिश्तेदारों की नहीं। कुछ कह रहे हो तुम? अरे वो उस हॉस्टल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मेरी प्रिंसिपल से भी बात हो चुकी है। जाओ, तुम्हारे ही लोग आए होंगे। क्या हुआ मेरे बच्चे को? एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, कोई भी बेकार की बात मत करना, वरना मेरा भाई यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेगा। मैं भी वही चाहती हूँ। क्या बोलती हो? आओ माँ, आ जाओ आ जाओ। आपका सफर कैसा रहा माँ? अरे बाप रे। ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ। ये बताओ मेरा पोता कहाँ है? बेडरूम में है वो। ठीक हो ना तुम? अरे मेरा बच्चा यहाँ है तू। कैसा है मेरा बच्चा? ची 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 ची। देखो तो चाचा आए हैं। किसको देखकर हंस रहा है तू? हाँ मेरा बच्चा, प्योरो बच्चा। ये बिल्कुल तेरे पापा पर गया है रे। शंकर कॉफी ले लो। माँ जी आप क्या लेंगी? कुछ भी नहीं। बोल बोल बोल, किस पर गया है? बोल जल्दी बोल। देखो तो कौन आया है तुमसे मिलने। पेंटिंग बहुत अच्छी है, किसने बनाई है? अनन्या ने।
उसने बनाई। ये उसका शौक है। ओ, उसकी मेडिसिन की पढ़ाई का क्या हुआ? थर्ड ईयर चल रहा है। वो भी यहीं रहती है क्या? हॉस्टल में रहकर उसे कॉलेज जाना बहुत दूर पड़ता है। यहाँ से कॉलेज पास है इसलिए यहीं रहती है। अरे माँ जी, आप लोग कब आए? आ जा बेटा, तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। जरा सुनो, शाम को आते वक्त ये राशन लेकर आना। इतनी सी बात के लिए उसे क्यों कह रही है? ये है ना शंकर, जा जरा सब कुछ लेकर आ। मैं जाऊँ? मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। हर एक चीज के लिए मुझे क्या पता, मुझे क्या पता कहेगा तो क्या पड़ोसी लेकर आएगा? चल भाभी से लिस्ट ले और सामान लेकर आ, जा। हेलो हेलो। हाँ क्या चाहिए? एक किलो दाल मूंग की, एक किलो दाल तुअर, एक किलो दाल मसूर। उसमें ऐसा लिखा है क्या? दो मुझे। बहुत ज्यादा ही बोल दिया तुमने। दो साबुन दीजिए। ये क्या, कुछ सुनाई नहीं दे रहा बेटा। फोन भी नहीं लगा और पैसा भी वापस नहीं आया। मोबाइल पे किया था। हाँ। और एक कॉइन डाल कर देखो, लगेगा। अभी तक 5 रुपए डाल चुकी हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ, बॉक्स अभी नहीं खोल सकता मैं, 1 घंटा लगेगा। बाद में आना, जाओ। 7-8 दिन हो गए हैं बेटा, मेरे बेटे से बात नहीं। बोला ना बाद में कर लेना। सुनो, मैंने सब चीजें ले ली है, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम भी ले लो। एक ही बात बार बार बोलना पड़ता है। ऐसा मत करो। अभी से मैं बॉक्स नहीं खुलेगा, बोल दिया। तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। यहाँ खड़े रहने से क्या बॉक्स खुल जाएगा? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। ए, ए, क्या कर रहा है? इन 5 रुपयों से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मगर माँ जी ने अपने बेटे से बात कर ली तो इनका पेट भर जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, चुप चुप जियो। एजुकेशन से ज्यादा कैरेक्टर मुख्य है। गुड परसेंटेज, गुड कंडक्ट। सर वो हॉस्टल के रूम का कुछ हुआ? हॉस्टल रूम तो सब फुल है। एक्चुअली 6 महीने पहले एक स्टूडेंट ने रूम में सुसाइड कर लिया था, इसलिए उस रूम में कोई रहना नहीं चाहता। चलेगा सर, मैं रह लूंगा। रहने दे, बाहर कहीं दूसरा रूम ले लेंगे। मैं रह लूंगा सर। मेरी बात तो सुन, उस रूम में वैसे ही रह लूंगा भैया। देखो भाई, समस्या से डर के भागना कायरता होती है, हिम्मत करने से ही समस्या का समाधान होता है। आपको तो इसका हौसला बढ़ाना चाहिए, रहने दीजिए। डैडी, आपने जो कवर मांगा था। ठीक है जाओ। ओके डैडी। नारायण, कौन कर रहा है साउंड पॉल्यूशन? चुप नहीं रह सकते? एक नंबर का मुसीबत। चलो जाओ आप। क्यों जाऊं, कहां जाऊं? मुलक्कड़ सत्यनारायण, हॉस्टल वार्डन का मिस कॉन्ट्रैक्टर, जाओ। प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल। आप ही हो ना प्रिंसिपल? यूजलेस फेलो। तो आप ही हो इसका मतलब? ये है शंकर, न्यू एडमिशन। मैंने इनको सारी जानकारी देके हॉस्टल का रूम अलॉट कर दिया है, रूम नंबर 119। इन्हें लेकर जाओ। चलो नारायण जी, चलो। ये जरा भुलक्कड़ है, यूजलेस फेलो है वो। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन है? हाँ? अरे सरस्वती मैडम, ये आप है, चलिए बात करेंगे। आओ ना, आओ, चलो आओ, बात करते हैं। Seeing shock na, you know, remote pressing button, this whole body shaking, no zero bulb looking, flashback, full floodlight, abba, cricket playing, rounding and disc throw. बाद में क्या हुआ? क्या happen? Disc come back, hitting head, mind गया, but remote जिंदाबाद. Our children, our campus. वो अपने बच्चे हैं ना कैंपस में, वो बोल और सुन नहीं सकते। चलो। ऐसा मारेंगे कि याद रखेगा, मार मार के मुंह तोड़ देंगे उसका, कोई लड़की उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। क्या हुआ वे? एक प्रिया नाम की लड़की मुझे अच्छी लगी तो मैं उसके पीछे गया, आई लव यू भी बोला, पर वो किसी और के साथ घूम रही है। कौन है वो? महेश, BSc फाइनल ईयर। एडमिशन न्यू ब्रो, रूम नंबर 119। रूम नंबर 119? Why घबराइंग? Flashback, full tour, no चिंता, give keys, I work hard, I go, all the best, fill details. Details entry करो। Oh, new admission है क्या? मेरा iPod गुम गया है। कहाँ गया, कब गया? गाना सुनते वक्त iPod गया।
गाना सुनते वक्त आईपॉड कैसे जाएगा यार? रेडियो के ऊपर मेरा आईपॉड रखा था, रेडियो में गाना सुन रहा था, तब मेरा आईपॉड गया। तो अब से रेडियो पर कुछ भी मत सुनना। रेडियो रखूंगा ही नहीं। अब इस मिसिंग रजिस्टर में एंट्री करो IPOD। मैं एग्जाम में ठीक से नहीं लिखता हूँ, तुमने मुझसे आईपॉड लिखवाया, वेरी गुड। मेरी बिजली के बारे में लिखा? तू यहाँ बिजली के बारे में सोचता रहेगा, तुम्हारा गीजर खराब हो जाए। चल चल। सर की सर? देखो मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ, यहाँ चार लोगों का आतंक बहुत ज्यादा है, अपना सामान तुम्हें खुद ही संभाल कर रखना होगा। हाँ। ये लो। मैंने की मांगी थी सर। उस रूम को की नहीं चाहिए, हथौड़ी चाहिए। बस BSC फाइनल। हाँ। अरे ओ किताबी कीड़े, तुझसे मिलने के लिए एक तितली आई है। ऐसे घूर मत मुझे, सच बोल रहा हूँ। इतने सालों से मेरे लिए तो कोई लड़की आई नहीं, क्या हो गया इन लड़कियों को, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को पसंद कर लेती है। जा मिल ले उसे। यहाँ क्यों आई हो? जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है, माइंड ब्लैंक हो गया है, नींद भी नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। ये क्या, तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो? चलो भागकर शादी कर लेते हैं। ए पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। ए चुप करो और चलो। ए, ए छोड़ो मुझे। रुक 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 रुक। अरे तू ये हाथ छोड़ो। क्या कर रहा है? छोड़ो ना। छोड़ उसका हाथ। ये कोई तरीका है क्या? मेरे पैर में दर्द था इसलिए इसे तुझे बुलाने भेजा। तू पागल हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा नहीं है, किससे कैसे बात करना है पता नहीं है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहा कर। अब पैर दर्द कैसा आपका? अभी पूछ रहा है तू? इसने मुझे दवाई दे दी है। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा देना। इसका मजाक उड़ाना बंद कर, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा ये बता, हॉस्टल में तेरा खाना कैसा है? अब तक तो ठीक है, लेकिन लग रहा है कि अब शायद खराब होगा। अच्छा ठीक है, तूने खर्चे के लिए पैसे मांगे थे ना, तेरे भैया ने कहा कल घर में आकर ले लेना। चलो बेटी। हाँ आ रही हूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारे दोस्तों के सामने सिर्फ मजाक कर रही थी मैं। ये क्यों? सिम खरीद लेना बात करने के लिए, तुम्ही ने तो कहा था बेटे से अगर माँ बात कर लेगी तो उसका पेट भर जाएगा। तुम्हारे बारे में माँ ने सब कुछ बताया मुझे, तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, हमेशा मंदिर जाते हो और वहाँ का प्रसाद खाकर ही ऐसे हुए हो। अब चल वरना उसे गुस्सा आ जाएगा। ए, 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 अंदर क्यों आ रहे हो? मैं कौन हूँ पता है क्या? अंदर आमलेट बन रहा है सर। क्यों बॉस, लगता है कोई स्पेशल मीटिंग चल रही थी। मीडिया को मजा आएगा सर, बार बार रिपीट टेलीकास्ट होगा। सर ये बात बाहर पता नहीं चलनी चाहिए वरना मैं बदनाम हो जाऊंगा, आप ही लोग कुछ करिए ना सर। ACP सर आ रहे हैं, उनसे बात कर लो। सर सर, मुझे कई चीजों से नफरत है, तुम समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया सर। ए, तुम बाहर चलो। सर गलती हो गई सर, आप अगर क्या करोड़ी मल नाम रखकर करोड़ों रुपए कमा रहे हो, बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐश करते हो, गलत बात है। ये बात बाहर पता चल गई तो क्या होगा? हैं सर,
मेरे घर वाले कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सर। बहुत खूब, अगर उन लोगों को सेफ रखना है तो मुझे हैप्पी रखो ना करोड़ी मल जी। मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ नहीं करूंगा, ऊपर वाले से पंगा नहीं लूंगा, सिर्फ 1 करोड़ लूंगा। Did you understand, Mr. करोड़ी मल? स्वामी डोर खोल। सेट करके कॉल करने को कहा था, तू उससे सेट हो गई। इतनी गर्मी चढ़ गई तुझे? तुमने जो कहा था वही किया मैंने। हाँ, पर तुझे जो पसंद है वो भी किया। बॉल छोड़ो मेरे। बाल तो तेरे छोड़ दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू सोने का बतख है। क्वाक, क्वाक, क्वाक। हाय शंकर, कब आए तुम यहाँ? हाफ एन आवर हो गया। सब लोग कहाँ हैं? सब लोग शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, आते ही होंगे। अंदर आओ, चलो बैठो। आज देखो मैं क्या करती हूँ। आगे सोफा नहीं है, गिर जाओगे। टी कॉफी? बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ बैठे बैठे। फ्रिज है, उसमें बैठोगे? उफ। ये लो। शंकर, क्या हुआ? पास क्यों आ रहे हो तुम? कॉफी? कॉफी? टेंशन हो गया था, अब समझ में आया। थोड़ी देर पहले मुझे भी हो रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये एम्ब्रॉयडरी कहाँ सीखी? मेरे गांव से। कल को ऑपरेशन के बाद पेशेंट के स्टिचेस भी डिजाइन वाले डालोगी क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। ये मजाक लग रहा है। अरे कितनी देर हुई तुझे आए हुए? आपने कहा था उसी टाइम पे आया हूँ। कुछ खाया या ऐसे ही बैठा हुआ है? घर में बिरयानी है, पार्सल लेकर आए हैं, तू खाएगा? ला कर दे दूं? थोड़ा सा खा लेना बेटा। तू नहीं सुधरेगा, बैठा रहे भूखा, कभी मेरी बात नहीं सुनता। ये ले रख। ऐसे छुपा के क्यों दे रहे हो? भाभी को नहीं बताया क्या? अरे पता है, ले रख ना। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, मैं निकलता हूँ। माँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन, हॉस्टल पहुँचने के बाद फोन कर देना। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं कल मिलूंगा ना। हाँ यस यस। अरे तो अब तक गया नहीं? बैग भूल गया था। अच्छा ठीक है जा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 74। आर्टिकल 74 एंड 75 डिफाइंस द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट। क्यों भाई, क्लास में हमेशा लेट ही आते हो? आजा। सॉरी सर, इस क्लास को बॉयकॉट करने आया हूं। क्या? कैंटीन का खाना ठीक नहीं है, मैनेजमेंट से कहा तो वो सुन नहीं रहे, इसीलिए सर। खाने के लिए लड़ाई है तो मैं रेडी हूँ। ये सब तो लंच ब्रेक में रखना चाहिए, क्लास के टाइम पे क्यों रखा है? खाने के लिए टाइम नहीं मिलता ना सर। चलो रे। ए, तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चल बाहर। सुनो, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो कर रहे हो, अब इसे जो सही लग रहा है इसे वो तुम करने दो। डोंट डिस्टर्ब हिम, जाओ। ए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाहर चल, बारा चल चल। ये साउंड कैसा है? खाना क्यों गिराया? खाना अच्छा नहीं है ऐसा बोला सर। 3-4 लोगों के लिए टेस्टी बना सकता हूँ, इतने सारे लोगों के लिए कैसे बनेगा? एडजस्ट करना सीखो, पहले इसे साफ करो जल्दी। अब एक एक के लिए टेस्टी खाना कहाँ से मैं बना पाऊंगा?
किसी के लिए ये बनाओ, किसी के लिए वो बनाओ, मजाक समझ के रखा है। अगली बार क्लास में शाना बना तो यहाँ नहीं दिखेगा। If demand increases and the supply remain unchanged, a shortage occurs, leading to higher equity. कल जब मैंने उसे धमकी दी तो उसकी शक्ल देखने जैसी थी। Silence. By a balance between production. आप उनसे पंगा लेगा तो क्या होगा? कौन बात कर रहा है? शंकर, क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बाहर जाओ। At each price, the product of the क्यों शंकर? लेक्चर बंक मारकर यहाँ बस स्टॉप पर वेट किया जा रहा है? किसके लिए? किसी लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है ना? हाँ? वैसे मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली। कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? हैदराबाद में तुमसे भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। अच्छा ठीक है चलो। बेटी, थैंक यू भैया। तुम सच में कमाल हो। मालूम है, चलो। ए, मिक्सर ऑफ करना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबके साथ मिलजुल कर चलना पड़ता है। तेरा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, तू मेरी बात कभी भी नहीं सुनता। माँ, आप बस भी करोगी? बार बार एक ही बात बोलकर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? शक्ल तो देख, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। नहीं तो क्या माँ, वहाँ जो हुआ आपको बताया लेकिन फिर भी आप मुझे परेशान कर रही हैं। हाँ हाँ, मैं जो भी कहती हूँ तेरी समझ में नहीं आता। तू अपने काम पर ध्यान दे, दूसरों के बीच में क्यों पड़ता है? माँ जी, जरा से दूध पिला दीजिए। मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, भूख लगी है? दूध पिएगा तो भूख मिट जाएगी, है ना? चलो पी लो। पी, कहाँ जा रहा है? हाँ, छत पर। ये हमेशा ऐसा ही करता है, गांव में अकेला रहेगा ये सोचकर इसे यहाँ लाई थी, यहाँ पर भी ऐसे ही रह रहा है। पता नहीं कब सुधरेगा ये, परेशान हो गई हूँ मैं इससे। ये कपड़े तो कल ही धोए थे ना? कॉफी का दाग नहीं गया है इसीलिए। यहाँ क्या कर रहे हो? सामने खूबसूरत लड़की, लाइन मार रहा हूँ। बाजू में बहुत सारे लड़के भी हैं, तुम भी ट्राई करोगी? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, ठीक है? क्या बात है, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? थोड़ा बुखार है। अच्छा, लेकिन टेम्परेचर तो नॉर्मल लग रहा है, कब से बुखार? उस दिन तुम्हारे हाथ की कॉफी पी थी तब से। नो माँ तुम्हें पागल समझती है, पर तुम पागलों के लीडर हो। हाँ, तुम्हारी दीदी जैसा सोच रही तुम ऐसी नहीं हो। प्लीज 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 शंकर, प्लीज शंकर छोड़ो ना। छोड़कर तो बहुत देर हो गई। सर, सेलफोन गायब हो गया था, आपसे कंप्लेन भी की थी, कुछ कीजिए ना सर। सेल? कौन सा सेल? आप कितने भुलक्कड़ हैं सर, आप जो करते हैं उसका रोज हम लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये सुन, मेरे भुलक्कड़ होने की वजह से तुम सब लोगों को खुशी मिलती है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी पता एक ही इच्छा है, जिंदगी में तुम लोग चाहे कितने भी बड़े हो जाओगे मैं तुम लोगों को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे बिल्कुल मत भूलना। हाँ ठीक है सर, अब खाइए। कितना टाइम लगेगा? हो गया साहब, और 10 मिनट। बंद करती हूँ साहब। बहुत खा लिया, अब जा यहाँ से। ठीक है सर। स्वामी, गाड़ी बढ़ा। अरे अरे रे 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 रे, आधा आधा खा के अपनी प्लेट से नीचे क्यों रख रहे हो? सामने वो लोग पी के नाचे, उन लोगों से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और हमें जाने के लिए कहा तो हम चले जाए, डरने की जरूरत नहीं, खाओ। क्यों रहे, ज्यादा होशियारी दिखा रहा है। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया सर? सर इन्हें जरा प्रॉब्लम है, ये थोड़े भुलक्कड़ है सर। तेरी प्रॉब्लम क्या है रे? सर बूढ़े आदमी। उसे क्यों मारा तुमने? ईमानदारी से बिहेव नहीं कर सकते हो क्या? तू मुझे अब ईमानदारी सिखाएगा?
हमारे वार्डन को एसीपी ने मारा, पुलिस स्टेशन गए तो वो कंप्लेंट नहीं ले रहे, ये रहा कंप्लेंट पेपर। एसीपी हाय हाय। हर दिन की तरह कमिश्नर हमारे कॉलेज के पास से जा रहा है, चलो मेरे साथ। एसीपी हाय हाय। 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 ये रोड पे क्या लफड़ा कर रहे हो? हमें धरना देना है। कमिश्नर साहब के आने का टाइम हो गया है, रोड पे ट्रैफिक जाम। जब तक कमिश्नर माफी नहीं मांगता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं नहीं, धरना देंगे। कॉलेज के पास स्टूडेंट लफड़ा कर रहे हैं, इमीडिएटली पुलिस फोर्स भेजिए। पुलिस आ रही है, बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। कमिश्नर के आने तक यहाँ से कोई नहीं हटेगा। पुलिस 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 पुलिस। क्या कर रहे हो? कोई नहीं हटेगा। सर हाँ नरसिम्हा, आपने उस वार्डन को मारा इसलिए स्टूडेंट्स भाग गए। कमिश्नर के जाने के रास्ते पर धरना दे रहे हैं, क्या करें सर? लाठी चार्ज करो। सर ये लोग पीछे नहीं हट रहे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मैंने जो सोचा था वही हुआ, फायरिंग स्टार्ट करो। सर स्टूडेंट्स पर फायर? नो डिस्कशन, कुछ नहीं होगा, फायर करो। ठीक है सर। पुलिस पुलिस तुम भागो, भागो, पुलिस ने गोली चला दी। भागो, चलो भागो, निकलो यहाँ से, भाग चलो। एसीपी कहाँ है? वेरी गुड शंकर। थैंक यू सर। यार भाई वो कॉलेज में दिन ब दिन फेमस होते जा रहा है, उसके पंख कतरने ही पड़ेंगे। हमारे कॉलेज के इस 25 वर्षों के एनुअल फंक्शन में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अब हमारे प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन 25 सालों में यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस कॉलेज के बारे में श्रीमती राजेश्वरी देवी जी ने जो अपना अनुभव बताया उससे मुझे बहुत खुशी हुई। अगर हमारे नोटों पे गांधी जी की फोटो नहीं होती तो हम कब का उनको भूल चुके होते। हम कागज के टुकड़े को तो अहमियत देते हैं लेकिन सच्चे इंसानों को भूल जाते हैं। मेरी इच्छा है कि इस कॉलेज से निकलने वाला हर स्टूडेंट समाज में पैसे कमाने के साथ साथ मानवता का भी ध्यान रखे। मैं इस कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट शंकर को इस मंच पे बुलाना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार। पहली बार स्टेज पर आकर बोल रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ। आपने कॉलेज में आए सभी मेहमानों को और पेरेंट्स को कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। हेलो हेलो, माइक बंद हो गया सर।
बाय। बहुत होशियारी से इस एनिवर्सरी फंक्शन को तुमने ग्रेट सक्सेस किया। थैंक यू मैम। गुड जॉब। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये साइन लैंग्वेज कैसे पता थी? मेरे पिताजी का एक डेफ एंड डम स्कूल था, मैंने वहीं सीखी। अगर जाने की कोशिश की तो नामुमकिन कुछ नहीं है। कीप इट अप। बाय। नमस्ते जी। थैंक यू मैम। सर, आपके ऑर्डर्स के मुताबिक मैंने जब फायरिंग की तो सब स्टूडेंट्स डर के भागने लगे, पर वो अकेला वहां पर बैठा रहा, वहां से हिला नहीं सर। कंप्लेन भी किया। अगर कमिश्नर के बदले मैंने राजीव को भेजा होता तो अच्छा होता। अगर राजीव सर वहां होते तो वो बिल्कुल फायर नहीं करते सर, वो हमसे अलग है और वैसे भी उन्होंने अभी अभी ड्यूटी ज्वाइन की है। हमारे साथ ड्यूटी करनी है तो हमारे जैसा ही होना पड़ेगा, वो तो मैं देख लूंगा। ला वाटर बॉटल दे मुझे। पानी नहीं है सर, लगता है स्वामी लेकर गया। ये भी ना, मिलाने के लिए लाया था और ये धोने के लिए ले गया। हे राजू, कब तक बैठा रहेगा? बुलाओ से। आ रहा है सर। सर, उस वार्डन से माफी अगर एनकाउंटर करता हूँ तो रीजन नहीं बताता हूँ और उसे मैं सॉरी कहूंगा। कौन है वो? अरे मर जाएगा वो। ओए सुन, तू ठीक है? सीट बेल्ट भी नहीं लगाया सर। क्यों लगाएगा? इसके तकदीर में जो ये लिखा हुआ था, ओवर स्पीड था ना सर। हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, जिंदा है तो बचाया जा सकता है सर। इसका नसीब इतना अच्छा नहीं दिख रहा। जिंदा है क्या? मुझे तो नहीं लगता, ये तो गया। इस एरिया का एसआई कौन है? संजीव है ना? बेकार आदमी है। हाँ सर। सर यहाँ ये। कितने होंगे राजीव? 15-16 करोड़ तो होगा सर। पक्का इतने तो होंगे सर। तो अब क्या करें बताओ राजीव। आप ही बताइए सर। एक गाड़ी भी नहीं आ रही है सर, हमें कोई नहीं देखेगा, सारा पैसा बांट लेते हैं। लाइन नहीं मिल रही क्या सर? इस केस को हम लोग खुद ही डील कर लें। क्यों राजीव, क्या बोलते हो? सर मतलब डर लग रहा है? गलत लग रहा है सर। हाँ, अगर पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे राजीव, क्लियर शॉट सर। वो राजीव मैं हूं ना, नरसिम्हा सर। रुक जाओ, वो मेरा बैग है, कहाँ लेके जा रहे हो? चलेगा यार, मैं संभाल। अरे चल चल ना, एक नहीं क्या कर रही है, छोड़ ना। आज चले क्या? चल चल। क्या है? 6 महीने से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आता? प्रपोज किया तो जवाब नहीं देती। ए चल हट। क्या बोली? चल ए छोड़ो उसे, चल निकल यहाँ से। ए ये खूबसूरती का घमंड है ना, अभी तोड़ता हूँ इसे। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। ए, मैं 3 तक गिनूंगा, यहाँ कोई नजर नहीं आना चाहिए, समझा? निकलो यहाँ से, चलो निकलो, जाओ यहाँ से। छोड़ो शंकर, चलो हम लोग चलते हैं। चलो यार। 1 2
हेलो। थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया सर इन द फार ईस्ट रीजन आर बेसिकली सर यस हमें शंकर से बात करनी है, जरा बाहर भेजेंगे क्या? ऐसे लेक्चर के बीच में नहीं भेज सकते हैं। चलेगा सर, कैंटीन के पास अपन वेट करते हैं, आने के लिए बोलना। चल भाई। ए, कहाँ जा रहे हो? कमीने, अपने आप को दादा समझता है क्या? वहां गिनती गिन रहा था ना, अब गिन के दिखा, काट डालूंगा तुझे। कॉलेज का स्टूडेंट है और ऊपर से मेरा क्लासमेट है, इसलिए बिना मारे छोड़ रहा हूं। खामोश रहता हूं तो ये मैं समझ के कमजोर हूं और कुछ नहीं करूंगा। अगली बार अगर कुछ किया। ए भाई, ये सुसु करने गया था या करवाने? क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी जा रहे हो? इम्पोर्टेंट मैटर है, तुम जरा बाहर जाओ, एक कॉल करना है, ऑफिशियल कॉल है बेबी, हॉल में जाकर बैठो। संजय, इस समय वहाँ के क्या हालात हैं, हमें बताइए। जी हाँ रेणु, आप यहाँ की हालत देख सकते हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से इस। हेलो राजीव सर, न्यूज देखा? हाँ देखा सर। मैटर तो साधारण न्यूज बन गया है, लेकिन मैंने उसके सिर के पीछे वार किया था ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैक से वार किया गया था, ये पता चल जाएगा। जी सर।
तुम उस रिपोर्ट पर नजर रखो। ठीक है सर। वो सारा पैसा जहाँ बताया था वहीं रखे हो ना? हाँ रखा है सर मैंने। 16 करोड़ हैं, कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना राजीव? सर। दूसरों को भी बता दे। ठीक है सर। मेरा नया नंबर है 89789 89789। ये भी नया लफड़ा है। सही जाल बिछाया है, कहाँ मिली है मछली? मेरे ही घर में, बेडरूम में। 6 महीने पहले होटल के रेड में से मिल गई थी। ऐसे मुझे घूर कर देख रहा था, उसके बाद मेरा फोन नंबर और एड्रेस ले लिया, केस भी नहीं बनाई, डबल पैसे ले लिए लेकिन मुझे छोड़ दिया। तुम तो जानते हो ना, मैं बड़े बड़े कस्टमर्स को घर लेकर जाती हूँ, लेकिन ये जब मर्जी होती है आता है जाता है। डिपार्टमेंट का आदमी है ना, अपने को भी ये यूजफुल रहेगा सोचा था, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। जब भी मुझे मेरे कस्टमर्स कॉल करते हैं ये जाने ही नहीं देता, मुझे बोलता है लव करता हूँ। मुझे देखकर उसे पुराने लव की याद आती है। वो चोरी छुपे बातें करते रहता है, मैं कैसे उस पर यकीन करूँ, वो धोखेबाज है। इसलिए फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम आएगी सोचकर बेडरूम में मैंने ये कैमरा सेट कर दिया था। अभी ये सब मिला है इसलिए तुम लोगों को मैंने बुलाया। पुलिस के अलावा कोई दूसरी पार्टी होती तो डील अच्छी हो जाती है। अगर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ेंगे। अगर इसके जरिए हमने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। बराबर डील की तो जरूर सेट हो जाएगा। पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता है माया। तुमने फोन करके बोला तो हमने सोचा किसी स्टूडेंट का या फिर किसी सॉफ्टवेयर का मैटर होगा। ये बहुत डेंजर है, तुमको मालूम नहीं तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो। हम लोग को दूसरा जगह पे काम है, हम लोग चलते हैं। चल यार चल। क्रांति, अगर चाहिए तो और टाइम ले लो, पर एक बार जरूर सोचो। क्या माया, सब कुछ साफ साफ बताया फिर भी तो। हे, इतना झंझट क्यों माया? उसके करीब हुई तो वो पैसा तुम्हें ही देगा ना। छी छी, गटर में सोने वाला सुअर है वो, गलती से इंसान पैदा हुआ है। अगर उस पर भरोसा किया तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा आदमी के सामने हम लोग को क्यों डाल रही हो? अरे हम लोग को छोड़ो यार, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, इसके बारे में हम लोग से बातचीत मत करना। चलो यार। अरे मैडम बिल। अभी जो बर्थडे पार्टी मना रहे थे क्या वो रेगुलर कस्टमर्स हैं? नहीं पता मैडम, क्या हुआ? मेरी बैग में रखा हुआ कैमरा मिस हो गया है, वही लोग मेरी टेबल से अभी अभी क्रॉस हुए हैं। पता नहीं, हमने तो नहीं देखा। टिफेन, उस टेबल पे जो लोग बैठे थे उन्हें तुम जानते हो क्या? वो बर्थडे पार्टी वाले। हाँ दिलीप, वो SS रामदास कॉलेज वाले थे। तुम सर? हाँ राजेश्वरी। बहुत दिन बाद देखी, कहाँ हो अभी तुम? साइबराबाद सर। हस्बैंड? विजयवाड़ा सर। मतलब अकेली रहती हो, और बच्चे? नहीं है सर। फायरिंग तुम अकेली करोगी तो नहीं चलेगा, कभी साथ मिलकर भी फायरिंग कर लो। इडियट। हेलो, पार्टी कहाँ है? हेलो। हेलो राजीव, न्यूज देखा? मैटर तो साधारण न्यूज बन गया है, लेकिन मैंने उसके सिर के पीछे वार किया था ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
जैक से वार किया गया था ये पता चल जाएगा। तुम सिर्फ नरसिम्हा सर। सर डोर लॉक्ड है सर। सर आपको केयरफुल रहना होगा सर। कमीन ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था। सेल ऑफ है, घर लॉक है, वो जो बिजनेस करती है तो हमें फंसाने की हिम्मत नहीं करेगी। पैसों के लिए किया होगा उसने। सर ये बात कमिश्नर को पता चली तो? डरो मत राजीव, जिसको हिस्सा मिलना था उसे मिल गया है। राजीव तुम्हारी ड्यूटी यही है। हाँ भाई क्या लड़की है। हाँ ले दीजिए। आपने बहुत मेहनत की सर। ये अंडे पकड़ो। सर हॉस्टल में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फिर आप मुझे ही काम पे क्यों लगा देते हैं सर? क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले सभी स्टूडेंट से तुम्हारा ज्ञान कम है। ज्ञान का और ये सब्जी उठाने का क्या संबंध है सर? है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड वार्डन मस्ट बी एग एंड हेन बट नॉट मस्ट बी एग एंड तवा। सर तवा के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हिंदी में बोलिए ना सर। वो क्या है ना कि तेरे मेरे बीच का रिलेशनशिप जैसा अंडा और मुर्गी का संबंध होता है ना वैसा है, क्योंकि मुर्गी से ही अंडा आया करता है और अंडे से ही मुर्गी आया करती है। इसलिए अंडा खाए तो भी एक ही बात है और मुर्गी खाए तो भी एक ही बात है। सर आप मुझे नित्यानंद पित्री जी पत्री जी जैसे दिखाई दे रहे हैं सर। आपका मैं एक पिरामिड बनाना चाहता हूं। तो बनाओ, तुम कमा कर अपने ही पैसों से बनाओ। अंडे फूट गए। यहाँ बैठे हो आकर मुझे उठा नहीं सकते थे? लड़के लड़कियों को पीटे ये तो देखा है, लेकिन लड़कियाँ लड़कों को पीटे ये कभी नहीं देखा। बहुत रोमांटिक है। तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? वहाँ मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म मिस हो रही है। चलो ए, क्या कर रही हो? सर 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 हाँ कैसे हैं सर? कैसा रहेगा, टूट गया ना अंडा मुर्गी का सर। अरे पिरामिड रहने दे, अंडों की हिफाजत के बारे में सोच। सर आपको कॉल करके जिसने धमकी दी थी ये रहे उसके डिटेल्स। सर ये प्रीपेड नंबर है, एक कॉलेज आईडी का जेरॉक्स देकर लिया गया है। श्री रामदास आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज का है सर। तो तू हाथ हिलाता यहाँ क्यों आ गया है? लेकर आओ उस कमीने को। उस सेल की मिसिंग रिपोर्ट है, उसे 3 हफ्ते पहले हॉस्टल से गायब कर लिया गया था। हमने पता लगाया तो पता चला कि कॉल कॉलेज के एरिया से ही किया गया था। जिस तरह माया के घर पर नजर रखे हुए हो वैसे ही उस हॉस्टल के स्टूडेंट्स पर नजर रखो। चाहे तो तुम तीनों एक एक करके छुट्टी पर भी जा सकते हो। ओके ओके सर। बोलो राजीव। माया घर पे आई है सर। ऊपर है सर। चलो ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मैं जो बात कर रहा था उसे रिकॉर्ड करके तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। क्यों हा? क्यों ऐसा किया तुमने? बोलो कैसे रिकॉर्ड किया उसे, बताओ। ठीक है मैं। कहाँ है वो, कहाँ है वो? चोरी हो गया। हाँ चोरी हो गया सच में, कसम से
कैमरे को किसी ने चुरा लिया। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। कॉफी शॉप में चोरी हो गया, वो कौन है मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ। कैमरा लेकर तू कॉफी शॉप में क्यों गई थी बताओ, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। फ्रेंड्स से मिलने गई थी। कौन है वो बता, कौन है वो लोग? रमन, क्रांति। सर मैं उन लोगों को जानता हूँ सर, पहले इसके लिए ब्रोकरेज का काम करते थे, अभी करमन घाट में रहते हैं। लगता है मूवी की तरह हर किसी को दिखाया है। अब ये बात सबको पता चल चुकी होगी, इसी ने फंसाया है हमें। तुझे कॉफी शॉप जाने की क्या जरूरत है? माया, 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 वो कॉफी शॉप कौन सा है? इसने बताया नहीं सर। सर अब क्या करें सर? हमारा टाइम अभी सही नहीं चल रहा है नरसिम्हा, अब क्या करना है तुम्हें पता है ना? सर फाइल। मैडम, सुसाइड करने से पहले शायद ये बहुत रोई थी, उसके गाल पर मारने के निशान भी मिले हैं। हाँ मैडम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी ने इस लड़की को बहुत टॉर्चर करके मारा होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सारे दरवाजे बंद थे और अंदर से लॉक भी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें क्या जरा सा भी जनरल नॉलेज नहीं है क्या नरसिम्हा? हाँ, यूथ को टारगेट करने वाले मूवीज ही नहीं, क्राइम बेस्ड मूवीज भी देखोगे तो जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। पुलिस को क्रिमिनल साइकोलॉजी भी जाननी चाहिए, अगर वो नहीं पता तो हर केस पेंडिंग रह जाएगी। सिस्टम तो है मगर हार्ड डिस्क नहीं नजर आ रही, बाथरूम में चार्जर तो है लेकिन सेलफोन गायब हो गया है। समथिंग इज रॉन्ग। मुझे तो ये सुसाइड नहीं लग रहा नरसिम्हा। तुम एक काम करो। हाँ मैडम। अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करके यहाँ बुलाओ, मैं जरा आस पड़ोस में इंक्वायरी करके आती हूँ। यस मैडम। राजेश्वरी बहुत खतरनाक है, पुलिस कुत्तों से भी डेंजर है वो, उसका टेकअप किया हुआ कोई भी केस आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। इस माया के केस में हमें किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना होगा। नरसिम्हा तुम जरा संभल कर इस केस को फॉलो करना। ओके सर। डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना, वो बहुत होशियार पार्टी है, अगर उसे जरा भी शक हुआ ना तो फिर वो तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठा देगी, संभल कर। यस सर। उसे उसके तरीके से इंक्वायरी करने दो, हम अपनी लाइफ सेव करने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। हाँ, उन दो लड़कों का क्या हुआ? बहुत जल्दी पकड़ लेंगे सर। तीसरा कौन है जल्दी पता करो, उससे तो मैं खुद गोली से उड़ाने वाला हूं। सो शंकर, यहां खड़े होकर आकाश में तारे गिन रहे हो? ए, क्या सोच रहे हो तुम? एग्जाम खत्म होने के बाद साइकिल से पूरी दुनिया घूमूंगा, यही सोच रहा था। हाँ? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ। ओके ओके, और उसके बाद? उसके बाद क्या, जॉब सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट है, सैलरी कम भी होगी तो चलेगी, ऐसे ही कोई जॉब ढूंढूंगा। बहुत ज्यादा पैसे कमा कर बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा टीवी, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी। जितना मेरे पास होगा उसी में खुश रहूंगा। तुम क्या करना चाहती हो? रेडियोलॉजी करके यूएसए जाना है। वो क्यों? पैसे कमाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा ना? बिना पैसे के उन्होंने
इस देश में कितने लोगों की सेवा की है पता है ना? सोचो कि क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो, लोगों की सेवा। कई गांव में हॉस्पिटल्स नहीं है, अगर जाकर वहां लोगों का इलाज करती हो तो बहुत सुख मिलेगा। तुम कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगी। और मेरे ख्याल से जिंदगी यही है ना कि पैसा कमाना। पैसों से सुख मिलता है, सेवा करने से तृप्ति मिलती है। I love you, शंकर। अभी तक ये नीचे क्यों नहीं आया, क्या कर रहा है? तुम अपनी साइकिल पर मुझे भी बैठा कर ले जाओगे शंकर? अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो ऐसा होगा। चार दिनों की छुट्टी है ना, तुम यहीं क्यों नहीं रह लेते? अब सुनो, तुम्हारी दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम जाओ। हाँ। ओके बाय, सी यू। ये क्या कर रहा है तू? हाँ? क्या हुआ? क्या चल रहा है ये? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? यहाँ तो पढ़ाई करने के लिए आया ना कि ये सब करने? हाँ? जवाब दे, चुप क्यों है? आज के बाद तू यहाँ नहीं आएगा। अगर तुझे मिलना है तो मैं हॉस्टल आ जाऊंगी। अरे मेरी बात तो सुनो। तेरा ये फोन दे मुझे। हाँ? अब ज्यादा मत बोल वरना और मारूंगी तुझे। निकल जाए यहाँ से। और आज के बाद इस घर में फोन मत करना। कहाँ जा रहे हैं सर? पहले बैठो। कहाँ गया ये? लगता है कहीं बाहर गया ये। स्वामी सर, तुमने कहा था हॉस्टल में कोई नहीं है लेकिन वहां लाइट जल रही है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। हाँ आ जाओ, एक मिनट। छुट्टियां चल रही हैं, हमें ये पता नहीं थी। एक लड़के से मिलने आया था, यहाँ कोई और नहीं रहता क्या? आपको कौन चाहिए? सीनू, बीएससी फाइनल ईयर का लड़का है वो। कौन सा रूम? रूम नंबर बताए बिना ये सब क्यों चेक कर रहे हो? सर ऐसे ही फोन खरीदना चाहते थे ना। कौन सा मॉडल है? देखो ये मेरा नहीं है, पहले से नीचे रखो। बहुत सारी चीजें फैली हैं, बेचना है क्या आपको? मतलब मैं कह रहा हूँ ना ये सब मेरा नहीं है। कौन है आप लोग? सर डायल लिस्ट में एसीपी साहब का नंबर आया। ये मेरा नहीं है सर, बैग बाहर था, मैं अंदर लाया। बैग बाहर था, तू अंदर लाया? हाँ। चल तुझसे कुछ काम है। लेकिन कहाँ? नहीं बताऊंगा तो नहीं चलेगा क्या साथ में? अबे चुपचाप साथ नहीं चलेगा तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। स्ट्राइक के वक्त कंप्लेंट लेटर देने वाला जो लड़का था उसी ने ये सब किया है सर। उसने इस वीडियो की दूसरी कॉपी निकाली है क्या? रूम तो पूरा चेक किया था सर, वहाँ पे और कुछ नहीं मिला। ये जानने वाला जिंदा रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे मिनिस्टर के साथ नालगोंडा मीटिंग के लिए जाना है, मेरे आने तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों जाकर उस मैटर को वहीं क्लोज कर दो। सुबह 5:30 बजे नरसापुर फॉरेस्ट प्रेजेंट। चलता रहे आगे, देख चल, छोड़ दीजिए सर। चल रहा बोले बस, सीधे चल सर। माफ कर दीजिए सर, बुला रहा सर, छोड़ दीजिए सर। कितनी बार बोलना पड़ेगा? चुपचाप बैठा रहा। माफ कर दीजिए सर। क्षमा सर, नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर। एसीपी सर। ए चुप कर। हेलो नरसिम्हा, बोलिए सर। उन कॉलेज के लड़कों में से राजीव ने गलत लड़के को उठा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सारा एविडेंस साथ ले आए। एविडेंस करेक्ट है या नहीं? आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। है हेलो
एनकाउंटर रोक दो। हेलो सर, एसीपी सर, आपकी आवाज कट रही है सर। नरसिम्हा, मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है, राजीव सर के फोन पे फोन कीजिए। मैं अपना फोन लेकर नहीं आया, समझे? हेलो, मेरी फोन की बैटरी डाउन हो रही है सर। हे, क्या सोच रहे हो, जल्दी करो यार, कितनी टेंशन हो रही है। सर ने कहा कि ये वो लड़का नहीं है, कह रहे थे कि हमने गलत लड़के को उठा लिया है। हे, अरे वो पागल है क्या, ये बात अभी उसके ध्यान में आई। पहले इन लोगों को मारो, बाद में जो होगा देख लेंगे। चलो मारो। मारो ना से माँ, नहीं तो ये लोग भाग जाएंगे। मारो। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। एसीपी कह रहे हैं मत मारो, आप लोग कह रहे हैं कि मार दो, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। फोन क्यों उठाया तुमने? एसीपी का कॉल था सर। तो अब क्या करना है? एक बार फोन कर लेते हैं। ठीक है, जा करके आओ। सर गाड़ी चलाना है, स्वामी को साथ भेज दीजिए। अगर आप कहें तो मैं रुकता हूं सर, आप जाकर आइए। ठीक है, ले जाओ। ये लीजिए सर। चल स्वामी। Hey, नसीब अच्छा हुआ तो तुम लोग जी सकते हो। उन लोगों के वापस आने तक अगर शांत रहोगे तो तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें छोड़ दीजिए। सर नरसिम्हा बोल रहा हूँ, बोलिए सर। क्या बोलना है, हमेशा गलती करता है, चेक तो करना चाहिए था ना। सर वो जिस लड़के को तुम लोग लेकर गए हो उसके हॉस्टल ज्वाइन होने से पहले से ही चोरियां हो रही हैं। तुम्हारे लाए हुए रजिस्टर में पूरी डिटेल्स हैं। तुम गलत लड़के को उठा कर लाए। एनकाउंटर रोको। सर उसके सामने एक लड़के को मार चुके, अब क्या करें? सर बेल टूट गई है सर। अच्छा, सर मैकेनिक के लिए हमें 6 किलोमीटर दूर जाना होगा सर। वॉकी दे। हेलो राजीव सर। माफ कर दीजिए सर। चुप कर। हेलो, सिग्नल नहीं मिल रहा है, शायद डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहां से आगे बढ़ के अगर कोशिश करेंगे तो शायद सिग्नल मिल जाएगा। सर मुझे साइकिल चलाना नहीं आता सर। सर, सर राजीव सर, राजीव सर, सर सर आपको, सर आपको सुनाई दे रहा है सर? राजीव सर, राजीव सर। बोलो स्वामी। गाड़ी की बेल्ट टूट गई है सर, गाड़ी को रिपेयर करवाना होगा। अबे बेवकूफ, ये बात अभी जरूरी नहीं है। उसने क्या बोला वो बोल। मारने के लिए बोला है सर। सर, हेलो सर,
क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर फूट गया, दिखता नहीं है? क्या हुआ पूछते हो? एसीपी मिनिस्टर के साथ मीटिंग में झूठी कहानी बनाकर हमें भेज दिया। किसी मीटिंग में नहीं है, घर में बैठकर लिस्ट बनाकर इसे मारो उसे मारो बस ऑर्डर दे रहा है हम लोगों को। एक तो भाग गया मेरे हाथ से। अब क्या करेंगे सर? हाँ भजन करेंगे बैठकर, ढूंढो उसे। पहले वो कमिश्नर, फिर उसके बाद माया, और अब तुम लोग एक के बाद एक मार कर आने को कहा था, कुत्ते की तरह दुम हिलाते चले आए। दोनों हाथ पीछे रखकर हथकड़ी पहनाकर पॉइंट ब्लैंक में गन भी रखा था, पर मार नहीं पाए। भाग क्या कह रहे हो? क्यों स्वामी, शर्म नहीं आती तुम्हें? पैरवी के जरिए जो इस पोस्ट पर आते हैं ऐसे ही होते हैं वो लोग। क्या है हाँ? गुस्सा आ रहा है ना हाँ? अगर कुछ इधर उधर हुआ ना तो सिर्फ मैं नहीं तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो ना? वो जिंदा रहेगा तो सबके लिए खतरा बना रहेगा। मैं जान बचाकर भाग के आया हूँ सर। हेलो अविनाश। हाँ भैया, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? एक केस के सिलसिले में जरा विजयवाड़ा आया हुआ हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ अर्जेंट है क्या? कुछ नहीं, कॉलेज में एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है। कॉलेज में? बताइए। रहने दो, तुम आओगे तो मैं पर्सनल तुमसे मिलकर बात करूंगा। ठीक है भैया, मैं वहाँ आते ही आपको फोन करूंगा। ठीक है। ठीक है सर, उनके आने के बाद ही मिलेंगे, तब तक मैं घर में ही रहता हूँ। ठीक है शंकर, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर। कोई बात नहीं सर, पास ही में तो है, मैं चला जाऊंगा। शंकर सर, देखो ये सारी बातें अपने घर वालों को बता के उन्हें टेंशन मत देना, क्योंकि ये सब कुछ तो कॉलेज के कैंपस में हुआ है ना। मैं खुद तुम्हारे भैया से बात कर लूंगा। ठीक है सर, बाद में जो होगा वो देखा जाए। ओके ओके सर। दीदी एक आमलेट बना के देना। देती हूँ। ए, हॉस्टल में मेरे रूम के बाहर बैग तू नहीं रखा था ना? बोल, तू नहीं रखा था ना? स्वामी इन सबको जीप पे बिठाओ। उधर रख दे। इधर क्यों बे, दिमाग है कि नहीं? यहाँ पढ़ाई करने आए, झगड़ा करने आए? हाँ दिखने में तो अच्छे खानदान का दिख रहा है रे तू, इन लोगों के साथ रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अगर एक बार केस फाइल हो गया फिर सारी पढ़ाई लिखाई में मिट्टी फिर जाएगी, लाइफ स्पॉल हो जाएगी बच्चे। सर को मैं कहता हूँ तू उस पर साइन बिल्कुल मत करना, और अगर कोई पूछे तो कह देना कि तू वहाँ था ही नहीं, ठीक है? ऐसे बोलना, ठीक है? ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए सर। कुछ खास नहीं, एक हफ्ते में सेमिस्टर एग्जाम है, लेकिन शंकर कॉलेज क्यों नहीं आया? आप कह रहे हैं कि शंकर कॉलेज नहीं आया?
लेकिन कल रात को तो वो ये कह के गया था कि वो हॉस्टल जा रहा है। मैं जरा माँ से पूछ के बताता हूँ। माँ, वो कॉलेज नहीं गया, तुम्हें कुछ बता के गया है क्या? नहीं बेटा। वो माँ को भी कुछ नहीं बता के गया सर। मैं जरा फोन करके उससे पूछता हूँ। ओके सर। सर, उस शंकर की मिसिंग कंप्लेंट आई है। उसके भाई ने हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। सर, अब क्या करें हम लोग? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। उन लोगों को प्रॉब्लम भी पता है और इस केस के बारे में आप सबको भी पता है। यस सर। एनी डाउट्स? नो सर, नो सर। That's all for today. आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। The number you are trying to call is currently switched off. शंकर, 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 डॉक्टर, शंकर, 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 शंकर बोलो डॉक्टर। सर, आप रात को जिस लड़के को यहाँ लेकर आए थे, मेरी एक स्टूडेंट ने उसे पहचान लिया है सर। अब तक उसने उसके घर पर भी बता दिया होगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, आप यहाँ पे आ जाइए सर। डरिए मत डॉक्टर, किसी को शक ना हो ऐसा मैनेज कीजिए, मैं आता हूँ वहाँ पे। ठीक है सर, प्लीज जल्दी आइए। ए सर, वो जो नया पेशेंट आया है उसे एक डोज दो अभी के अभी। ओके सर। जाओ जल्दी। हाँ छोड़ दे। This seems to be a complicated case. पर मेरे भाई को हुआ क्या है डॉक्टर? He is suffering from Bickling Prosser, non-vis delusion prosseritory subtype. मतलब? इस केस में एक्सक्यूज मी, आइए सर, बैठिए, बैठिए ना। यही लोग हैं उनके रिश्तेदार? हाँ सर। आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं सर, वो यहाँ क्यों आया, कब आया, यही सब पूछ रहे हैं। इतने में आप आ गए तो पेशेंट का नाम क्या है बताइए प्लीज। शंकर। पेशेंट के केस शीट में उसका नाम एंट्री कर दो। ओके डॉक्टर। उसे ड्रग्स लेने की आदत थी क्या? ड्रग्स? वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है सर। आपको कोई गलतफहमी हुई है, शंकर को वैसी आदत बिल्कुल नहीं है। सर, कॉलेज में क्या चल रहा है, हॉस्टल रूम में क्या चल रहा है, आपको कुछ पता है सर? मेरा भाई आखिर यहाँ पे कैसे आया सर, और उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या क्या उसने? देखिए, थोड़ी नीचे लगती तो आंख गई थी मेरी, पत्थर से मारा है उसने। क्या बात कर रहे हैं आप? दो दिन पहले रात को पेट्रोलिंग में गया था मैं, रास्ते में बहुत घबराया घबराया सा घूम रहा था वो, मुझे देखते ही तू है ना वो, तू है ना वो, तू है ना वो, ऐसा बोलकर पत्थर मारा और भाग गया वहां से।
मैं उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, वो एक गली में घुसकर चार लड़कों से झगड़ा करने लगा और बियर की बोतल तोड़कर उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल क्राइम है। अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा। ले जाने के बाद बोलना शुरू कर दिया कि मैंने उसका और उसके दोस्तों का जबरदस्ती एनकाउंटर करने की कोशिश की और मैंने उसके ही सामने दो लोगों को मार भी दिया, लेकिन वो वहां से भाग गया। वहां के सारे स्टाफ को और आने जाने वालों से बोलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा ड्रग्स लेता होगा इसलिए ऐसा कर रहा है, जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब होगा इसलिए यहाँ लाकर मैंने उसका इलाज कराना शुरू कर दिया। रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया तो हम कैसे डील करते हैं आपको तो पता ही होगा, मगर उसका बिहेव कुछ अलग लगा इसलिए हमने गवर्नमेंट के खर्चे पर उसका इलाज करवाने के लिए सोचा है। ये तो आप देख ही रहे हैं। क्या इलाज करवाना है? क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा पागल नहीं है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा पागल नहीं है। तुम ही समझाना बेटा, ये सब लोग मिलकर मेरे बेटे को पागल कह रहे हैं। शांत हो जाइए। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ माँ जी, पर आपने भी तो उसकी हालत देखी है ना। सर क्या नाम बताया आपने उस बीमारी का? सिंपल शब्दों में कहूँ तो डिल्यूजन है। वो सब कुछ देखता है समझता है पर बाद में कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी हालत में पेशेंट जो सोचता है उसी को सच मान लेता है और रिएक्ट करने लगता है। शंकर की प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी ही है। उसे पुलिस ने फॉलो किया, उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की, ये बात उसके मन में बैठ गई है और इसे सच मानकर वो पुलिस के साथ गलत रिएक्ट कर रहा है। सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स पहले से दिखने चाहिए थे ना। आज से पहले उसने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, सडनली उसका ऐसा बिहेवियर। तुम्हारा मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देखिए मिस, अभी आप लर्निंग स्टेज पर हैं और मैं यहाँ पर एमएस हूँ, ये बात याद रखिए। सॉरी सर, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? उसे कुछ नहीं होगा ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है माँ जी, वो कुछ दिन यहाँ रहेगा तो ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो जाएगा। सर जो भी उससे मिलने आता है वो उससे कहीं बात ना कर ले, इसीलिए हम उसे डोज देकर बेहोश रखते हैं। अब क्या करें? आधुनिकता के इस दौर में हमारे मॉडर्न गैजेट्स की वजह से हमें बहुत सारे दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं और सबसे बड़ा दुष्परिणाम है मानसिक असंतुलन। उसकी फ्रेंड भी डॉक्टर है और इस केस को वही हैंडल कर रही है। बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवाई लिखी है और मैं उसे कोई और दवाई दे रहा हूँ, पकड़ा गया तो जेल हो जाएगी सर। हो सकते हैं इंसान में इसकी वजह से होने वाले परिवर्तन को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीधर प्रसाद जी। हेलो डॉक्टर। हेलो मैम। डॉक्टर जी क्या आप हमारे दर्शकों को इसके लक्षण बता सकते हैं? वो लोग कुछ अलग तरीके का बिहेव करते हैं। इन लोगों की देखभाल एकदम बच्चों की तरह करनी पड़ती है, उस वक्त तो उन लोगों को दर्द का पता भी नहीं चलता है। इस तरह के केस को हैंडल करने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बीमारी पता नहीं कौन सा रूप धारण करेगी। डॉक्टर साहब ये सच है क्या? इस डिप्रेशन को सच में सीरियसली लेना चाहिए या फिर नहीं? हाँ देखिए, इस डिप्रेशन के कई खतरनाक परिणाम हो चुके हैं, आज भी डॉक्टर उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। राघव, रात को उस पागल खाने में कितने बजे खाना खिलाया जाता है? शाम को 7:30 बजे सर। खाने के बाद वो क्या करते हैं? 8 से 8:30 बजे तक सबको अपने कमरे में भेज दिया जाता है सर। रात में काम करने वाले वार्ड बॉयज कैंटीन में जाकर सो जाते हैं और 9:15 बजे सारे जनरल शिफ्ट वाले घर चले जाते हैं। उसके अगल बगल रहने वाले पागलों को दूर भेज देना, उसके बाद अपना काम शुरू। फिर क्या होता है? 11 बजे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं सर, उसके बाद सब सो जाते हैं। सबके सो जाने के बाद ठीक 11:30 बजे वार्ड बॉय को भेजकर हाई डोज देने के लिए कहना। ठीक 12 बजे मेरा आदमी आकर उसका मैटर फिनिश कर देगा। हाँ समझ गया ना? Thank you.
मैं कौन हूँ आपको नहीं पता, पर आपने मेरी ऐसी मदद की है कि मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या हुआ? बच्ची बस के नीचे आ ही जाती, लेकिन उस भाई साहब ने बचाया। बेटा, सर, माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। रात को 12 बजे वो आपको मारने की कोशिश करेगा, आप सोइएगा नहीं सर। बिल्ली अंधी होगी तो चूहे नाच करेंगे ही। तुमने जैसा बोला ये वैसे ही है। इनकेपेबल, तुम सब इनकेपेबल हो। तुम पर भरोसा किया मैंने, ये मेरी सिर्फ मेरी गलती है। मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी इसलिए मुझे उस दिन रुकना पड़ा, नहीं तो वो कमीना उसी दिन मर गया होता। जितनी तड़प उसके अंदर जिंदा रहने की है, उतनी ही तड़प हम सब में उसे मारने की होनी चाहिए। हमारी तड़प के सामने उसकी तड़प हार जानी चाहिए। क्यों स्वामी, तू समझ गया ना? रूल्स के हिसाब से क्राइम करके भागा हुआ कैदी है वो, ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है पता है ना? जाओ। ये क्या यार, ये मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ आ गया? हाँ यार, I am also surprised. ये क्या शंकर, हॉस्पिटल में तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था और तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे क्या हुआ है सर जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है? कल रात भी ट्रीटमेंट के नाम पर मुझे मारने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ नहीं हुआ सर। उस दिन झगड़े के वक्त कोटी भी वहीं पर था, उसे बुलाकर पूछ लीजिए, सच का पता चल जाएगा। सर आपने बुलाया? क्यों कोटी, शंकर की कंप्लेन तुम्हारे दोस्तों ने की थी क्या? तुम भी वहां मौजूद थे क्या? ये क्या कह रहा है सर, मुझे कुछ पता नहीं। सच बता बे। देखिए सर ये क्या कर रहा है, आपके सामने क्या कर रहा है? शंकर तू पागल हूँ? मतलब कौन है पागल? शंकर ये क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये? सर ये सरासर झूठ बोल रहा है, ये भी उस दिन वही था। क्या शंकर, एक ही बात को तुम पागलों के जैसे क्यों बोले जा रहे हो? मेरे पिता को मैंने बचपन में खो दिया था, आप में मैं उनको देख रहा हूँ। अगर वो होते तो मुझ पर भरोसा करते। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। सर वो शंकर कल रात को हॉस्पिटल से भाग गया है सर। भाग गया है? सुनो सुनो, तुम्हारा भाई हॉस्पिटल से यहाँ आ गया है। क्या शंकर यहाँ आया? ए, तू यहाँ क्यों आया है? आपसे कुछ बात करनी थी भैया। ऐसे क्यों आ गया बेटा, वहाँ रहकर अपना ट्रीटमेंट तो पूरा करवा लेता। मुझे हुआ क्या जो ट्रीटमेंट होगा? मान लिया कुछ नहीं, वहाँ पर ट्रीटमेंट तो पूरा करना चाहिए था ना। क्या भैया आप भी, मैं ठीक हूँ तो ट्रीटमेंट क्यों होगा? भाभी इसे लीजिए। दो दो। मैं जो कह रहा हूँ उसे जरा सुनिए तो भैया। हाँ बोलो। उस दिन मंगलवार को यहाँ आया था, फिर हॉस्टल गया। मंगलवार को नहीं आए थे तुम बुधवार को आए थे? नहीं भैया, मंगलवार को ही आया था, माँ से पूछ लीजिए। उस दिन छत पर आपने मुझे मारा था ना? माँ ने क्यों मारा तुझे? वो बात बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुन लीजिए। माँ से पिटने के बाद मैं यहाँ से सीधा हॉस्टल गया। वहाँ मेरे रूम के सामने एक बैग मिला मुझे, रूम में उसका सामान देख रहा था तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आया। उस बैग में कैमरा, सेलफोन। पता है मुझे, सब पता है, ये सब मुझे प्रिंसिपल ने बताया। मैंने ही बताई थी, एनकाउंटर से भागने के बाद सबसे पहले मैं उन्हीं से मिला था। शंकर तू जो कुछ भी कह रहा है ये सब कुछ नहीं हुआ, ये सब तेरे दिमाग का भ्रम है। लेकिन पुलिस वालों को तेरा एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? तू जो भी कह रहा है उस दिन हॉस्टल में कोई भी नहीं था, बुधवार की रात को सनत नगर पुलिस स्टेशन के बाजू में तूने सीआई पे हाथ उठाया। लेकिन सनत नगर में क्यों जाऊंगा भैया? रुक जा पहले मुझे बोलने दे। उसके बाद बगल की गली में जाके तूने चार लड़कों को मारा, कम से कम ये तो याद है ना? तुझसे मार खाने के बाद भी इंस्पेक्टर साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया तुझे और तेरा वहाँ चेकअप करवाया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सामने आई। आपका मतलब मैं पागल हो गया हूँ? वो डॉक्टर फ्रॉड है। अपने भैया से तू ऐसे बहस क्यों कर रहा है? कहना क्या चाहता है? पुलिस डॉक्टर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब क्या झूठ है, और जो तू कह रहा है वो सच है यही ना? मैं अभी जो भी कहूंगा आपकी समझ में नहीं आएगा। क्या माँ, मैं इतना समझा रहा हूँ वो समझने को तैयार ही नहीं है। बेटा अपने भैया की बात मान ले, वापस चला जा। चार लोगों को पिटाई कर देने से पुलिस वाले आपके पीछे नहीं पड़ते, सोचिए जरा इस बात को। शंकर बेटा सुन तो, बेटा शंकर मैं पुलिस से बात कर लूंगा। शंकर कहाँ है तेरा भाई? वो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे बच पा रही है, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। मेरा बेटा नहीं तो जा रहा है बेटा। या। 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 या।
सर 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 मैंने पकड़ लिया सर सर मैंने पकड़ लिया सर बच्चे को बचा ले। शंकर इतने दिनों तक साथ देने वाले दोस्त मेरे प्रिंसिपल भैया भाभी माँ सबके सब ने ये मान लिया कि मैं पागल हूं। भैया के बेटे को गोद में लिया तो वो भी रोने लगा। इस दुनिया ने मुझे पूरा का पूरा पागल बना दिया है। मैं सच में पागल नहीं हूं अनन्या। सब लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं पागल समझकर। बताओ मैं कैसे सहन करूं। इतने दिनों तक मैं पागल ही था लेकिन अब सब लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं ये सोचकर मैं सच में पागल हो जाऊंगा अनन्या। ऐसी बातें मत करो। ये क्या बच्चों जैसे रो रहे हो? हाँ तुम पर कोई यकीन करे या ना करे लेकिन तुम पागल नहीं हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर एक बात है शंकर, अगर तुम और मैं मिलकर ये बात दुनिया को बताएंगे तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए पहले तुम्हें पागल बनाने के पीछे कारण क्या है ये पता करो। ये कहाँ से शुरू हुआ ये सोचो। प्लीज शंकर जरा सोच कर देखो। साफ शब्दों में कहें तो उसे डिल्यूजन है।
शंकर तू अब अपना मुंह खोलेगा? हाँ बता क्यों कह रहा है कि मैं पागल हूँ? बोल शंकर, शंकर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? जो सबको सुनाया वही मुझे सुनाएगा तू? मेरी बात तो सुन लो प्लीज शंकर। सॉरी शंकर। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, घर जाऊँ कॉलेज जाऊँ हॉस्पिटल जाऊँ तो वहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। डिल्यूजन? हाँ डिल्यूजन हो गया मुझे। हाँ बोल। पुलिस मुझे मारने दे इसलिए मैं भागता फिर रहा हूँ। मैं पागल हूँ? चल हाँ क्यों पढ़ाई की तूने? हाँ पैसा लेकर झूठ बोलने के लिए? कितना पैसा मिला बता जल्दी। मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो तूने फ्री में किया? हाँ शंकर, उन्होंने दबाव डाला इसीलिए मुझे। दबाव डाला? हाँ तो तेरी अकल कहाँ, गधे चर गए थे? एक पेशेंट को शॉक ट्रीटमेंट दे रहा था तब वो गलती से मर गया शंकर, और इस केस को दबाने के लिए वो मेरी मदद कर रहे हैं इसलिए। कौन है वो? वो CI राजीव है। गलत इंसानों के साथ मिलकर गलत काम करके लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हो? हाँ क्यों रे? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुम लर्नर हो और मैं MS हूँ ऐसे कहा था ना? ये तुम्हें MS? हाँ गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। शंकर छोड़ दो इसे, शंकर प्लीज प्लीज आ रही है शंकर, चलो लेट्स गो। क्या है ये? लगता है फुल पीकर लुढ़का हुआ है। सर इसके मुंह पे तो चोट लगी, देखिए। उसके बारे में वार्निंग देने आया तो वो हमसे भी फास्ट निकल गया। इसका मतलब उसका नेक्स्ट टारगेट। हेलो। हेलो मैं राजीव की बीवी ज्योति बोल रही हूँ, कांस्टेबल स्वामी से बात करनी थी, जरा बुलाएंगी? या एक मिनट। हाँ कांस्टेबल स्वामी को जरा बुलाना। सर कल से राजीव पुलिस स्टेशन नहीं आया, मैंने उसे बहुत कॉल किए पर उसने जवाब नहीं दिया, पता नहीं उसे क्या हो गया। सर राजीव सर की वाइफ ने फोन किया था, वो कह रही कि रात को वो घर पे नहीं पहुंचे, वो बहुत डर रही हैं सर। कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन आने वाली थी पर मैंने उन्हें मना कर दिया सर। सर ये जरूर उसी का काम होगा सर, राजीव सर को धमकी दी तो वो सारी सच्चाई बता देंगे सर। बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। एक हफ्ते में मेरी बहन की शादी है सर, वो रुक जाएगी, मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा। ए स्वामी उठो यार, तुम ऐसा डर क्यों रहे हो? वो कोई बच्चा है जो बता देगा? हाँ ए शंकर गलत कर रहा है तू। मैं गलत कर रहा हूँ तो तूने सही किया था? हाँ एक बार ट्रिगर दबाया ना तो खोपड़ी उड़ जाएगी तेरी, तो जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। दबाऊं ट्रिगर? नहीं 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 दबाऊं? नहीं नहीं बोल दबाऊं? नहीं नहीं प्लीज। उस दिन तू मुझ पर गोली चलाने वाला था ना, आज मैं चलाऊं क्या? बोल। hey, एक बार मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया तो क्या हालत होती जानता है? हाँ मेरे रिश्तेदार दोस्त बाहर निकलता हूँ तो ऐसे देखते हैं जैसे मैं मार दूंगा किसी को, इसलिए वो लोग मुझसे डरते, मेरे पास नहीं आते, दूर रहते मुझसे, तो जानता है तब कैसा लगता है? हाँ
मुझे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा। छोड़ दूँ क्या तुझे? मैंने ऐसा क्या किया था? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? शंकर, छोड़ दो उसे, जान से मार दोगे क्या? अगर गोली से इसका सर उड़ा दिया तो इसे महसूस नहीं होगा दर्द क्या होता है। शंकर, ये एसिड है, अगर बॉडी पर गिरा तो जानते हो क्या होगा? जानता हूँ। मेंटल हॉस्पिटल में मुझे ड्रग का इंजेक्शन देने पर कितना दर्द हुआ था। एसिड इसके गले में डालूंगा तब इसे एहसास होगा। शंकर छोड़ दो उसे प्लीज। हम सब पकड़े जाएंगे इसी डर से मेंटल पेशेंट बनाना पड़ा तुम्हें। गलती पर गलती करते गए हम सब। क्यों मैडम, ये सबूत काफी नहीं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए? ये काफी नहीं है शंकर। राजीव अगर अपनी बात से पलट गया तो कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। मगर तुम्हें इस केस से बाहर आने के लिए माया मर्डर केस और एक्सीडेंट केस इन्वेस्टिगेट करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिर उस कैमरे को वहां से किसने चुराया होगा? तुम्हारे पास उसे किसने रखा? उसके पास और भी एविडेंस होंगे, उनकी जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे मैडम? मैडम, कहीं भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। यहाँ पुलिस से खोनी है, इतनी आसानी से थोड़ी मिलेंगे। आपको कोई भी क्लू नहीं मिला? नहीं मिला अनन्या। एटलीस्ट कोई फोन नंबर। तो केस सॉल्व कैसे होगा? केस तो सॉल्व जरूर होगा मैडम। माया की मौत हुई थी जून 25 को। ये क्रेडिट कार्ड का बिल है 23 जून का। मतलब माया मरने से पहले वो कहाँ गई थी, किन किन लोगों से मिली थी, अगर ये ट्रेस किया तो। देखा है मैडम, एक महीना पहले इनका हैंडीकैम चोरी हो गया था, इसलिए बहुत परेशान थी। तो मिला क्या? नहीं मिला मैडम। लास्ट मंथ 23 का सीसीटीवी कैमरा फुटेज मुझे दिखाएंगे? श्योर मैडम। मैडम, उस दिन जंगल में इन्हीं लोगों को मारा था। श्योर? यस मैडम। स्टॉप स्टॉप, रिवाइंड करो, स्टॉप, जूम करो। अब उस फेस पे जरा जूम करो। बर्थडे पार्टी का गैंग कौन था? ये लोग स्टूडेंट्स हैं मैडम, श्रीराम दास कॉलेज वाले हैं। श्रीराम दास कॉलेज? तुम इन लोगों को जानते हो? नहीं मैडम। सुनील, नानी, नरेश, सीनू, किशन और ये। डैडी, आपने बुलाया क्या? तुम्हारा नाम क्या है? दिलीप। सी मिस्टर दिलीप, लास्ट मंथ 23 को कैफे मिलान में तुमने कैमरा चुराया था। आप ये क्या कह रही हैं मैडम? सच कह रही है, सच। सारी बातें जानकर सबूत के साथ आए हैं ये लोग। ए, तू मेरे घर में कैसे पैदा हो गया? तेरी तो मेरा बेटा है। ये कहने में मुझे शर्म आ रही है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? तुम्हारे कारण आज से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। चार लोगों में कैसे सर उठा के घूमूंगा? अपने बेटे को ठीक हाथ में नहीं ला पाया मैं। लोग अब मेरे मुंह पे थूकेंगे, कहेंगे अपने बच्चे को सही रास्ते पे नहीं ला पाया। प्लीज सर। इन सब का कारण मैं ही हूँ। उस दिन मेरी एक छोटी सी गलती शंकर के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गई। ये क्या है? हॉस्टल में जो सामान चोरी हुआ तुम्हारे बैग में कैसे है? ओहो, तो चोरी तुमने की
और इल्जाम शेखर पे लगा दिया और वो अपमान नहीं सह पाया और उसने आत्महत्या कर ली। कितना नीच काम किया है तुमने, शर्म कर, एक मासूम की मौत का कारण बना है तू। मेरे घर में कैसे पैदा हुआ, मेरे जैसे को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। जाके मर, अरे क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान चली गई। कॉलेज में 4 दिनों की छुट्टी होने के कारण शंकर के अलावा सभी स्टूडेंट्स अपने गांव चले गए। शंकर ईमानदार है ये मुझे पता है, फिर भी स्टूडेंट्स के चोरी हुए सामानों से भरे बैग को शंकर के रूम के पास रख दिया। मैंने सोचा था कि शंकर उस बैग को देखेगा और चोरी का सामान सोचकर वो बैग मुझे लौटा देगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। शंकर नहीं आया। अगले दिन शंकर के रूम के पास गया तो रूम में ताला लगा था और बैग भी नजर नहीं आया। उस दिन शंकर के जाने के बाद जब मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने कॉफी शॉप में कैमरा चोरी किया है और उसी ने एसीपी को फोन भी किया था। एसीपी को कॉल करके उसे धमकी देकर पैसा वसूलने वाला था। उस वीडियो का मैटर तुमने कहीं और कॉपी किया है? नहीं मैडम, सॉरी शंकर। तुम्हारी वजह से जिंदगी तबाह हो गई, सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा। हाँ शंकर, मैं अभी कमिश्नर सर से मिलकर कलेक्ट किए हुए एविडेंस दिखाकर तुम्हें कॉल करती हूँ। तुम्हें भी कमिश्नर साहब से मिलना होगा, ओके? ओके मैडम। गुड इवनिंग सर। एसीपी, क्राइम को बचाने वाला खुद ही क्राइम करे और मैटर बाहर ना आने पाए ये सोचकर वो किसी का मर्डर कर दे। व्हाट इज दिस सर? वो डोंट टॉक। उस एक्सीडेंट केस में वहाँ जो पैसा मिला उसमें से कुछ पैसे मुझे देकर मुझे भी मर्डर केस में शामिल करवा रहे हो क्या? राजेश्वरी के पास सारा एविडेंस है, अब जल्दी से जल्दी इस केस को क्लोज करो। तेरे सेलफोन से कॉल किया है, तेरे पर्स से 500 रुपए खर्च की, अगर तू सच बोलेगा तो अपने भाई से लेकर पैसे वापस लौटा दूंगा। तेरा रिवॉल्वर तो मैं तुझे वहीं दूंगा। तुम्हारी बीवी ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज की है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को रोते देखकर बेचारी वो भी रोने लगी थी। जब घर का मालिक घर में ना हो तो कितना दुख होता है तुम्हें पता नहीं होगा, मुझे पता है। चलो। शंकर, शंकर एसीपी जीजा जी को लेकर गया है। अनन्या, क्यों राजेश्वरी? एविडेंस कलेक्ट करके उसे कमिश्नर को देकर मुझे खत्म करना चाहती हो? हाँ? अपना अकाउंट बाद में देखेंगे, पहले स्पीकर ऑन करो और ये फोन वहां उस शंकर को दे दो। ए शंकर, आंखों में आंसू, धड़कन में डर, नस में कंपन, पैरों के नीचे जमीन हिल रही है ना? ये सिर्फ सैंपल है, इमीडिएटली राजीव को लेकर मेरे पास आ जा, नहीं तो तेरे भाई की जगह तेरी माँ हो सकती है, तेरी माँ की जगह पर तेरी भाभी भी हो सकती है, आखिर में कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। हे शंकर, क्रिमिनल के साथ पंगा ले ले, पुलिस से पंगा ले ले, मगर क्रिमिनल माइंड रखने वाले पुलिस से कभी पंगा मत लेना। एसीपी, तुझे पता ही होगा कि मेरा नाम शंकर है, जब तीसरी आंख खुलेगी तो अब जाके बात की है तूने? आजा, आजा, आ मेरे पास, देख लेते हैं। After all, एक स्टूडेंट ही है। आ, 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 आ,
सर 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 इसकी बुलेट खत्म हो गई सर। सर बाहर आ जाइए सर, मैंने इसे पकड़ रखा है सर। सर आप बाहर आ जाइए, इसके पास बुलेट नहीं है। मारिए सर, मारिए। ए, नीचे बैठ, नीचे बैठ। हाथ पीछे, हाथ पीछे, वरना शूट कर दूंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारे ऊपर जब इसने अटैक किया था तभी ऐसा करना चाहिए था, किसी काम का नहीं। तो सर उस दिन क्या हुआ था ये सब जाने बिना आप बात मत कीजिए। तू क्या बात कर रहा है? आफ्टर ऑल एक कॉलेज स्टूडेंट ने तुझे मारकर तेरा हाथ बांध दिया और तू हैंडल नहीं कर पाया, शर्म नहीं आती तुझे? नरसिम्हा सर, इस मेंटल ने हॉस्पिटल से भागकर राजीव को किडनैप किया। हम राजीव को बचाने के लिए यहां आए तो इसने गन छीनकर कांस्टेबल स्वामी को शूट कर दिया। मुझे बचाने के लिए तुमने इसे शूट कर दिया, समझ में आ गया ना? क्या है नरसिम्हा? अबे दूर जा, पीछे हट, गोली चला, पीछे से सर पर शूट कर, शूट कर नरसिम्हा, टाइम हो रहा है। नरसिम्हा रुको, गलती पे गलती की है हमने, अब नहीं। हर काम में हमें फंसाकर ये चुपचाप निकल जाना चाहता है राजीव। हाँ बोलो, तुम्हारे पास गन है ना, तुम ही तो मार सकते हो उसे। ये सब प्लान के मुताबिक कर रहा हूँ, तू पागलों जैसी बातें मत कर। ए, मुझे पागल मत बोल, पागल तू है, समझा? राजीव मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर। कैसा सीनियर है तू? मैं एक सिंसियर ऑफिसर था, तेरे पास आने के बाद मैं भी भ्रष्ट हो गया तेरे जैसे कमीने ऑफिसर की तरह। इज्जत से बात कर। गांजा पीने वाला तुझे कौन इज्जत देगा? एक के बाद एक गलती पे गलती किया जा रहा है। हट मेरे सामने से। सर शूट कर नरसिम्हा। After all, तू एक स्टूडेंट है। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया ना तो तू शिव की तरह आंखें खोलेगा। क्या यही कहा था ना? राजेश्वरी, इस पागल ने अपने पुलिस वालों को मार दिया। शूट करो इसे, शूट कर दो इसे, शूट करो। सॉरी सर, मेंटल पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के अलावा पनिशमेंट देने की अथॉरिटी हमें नहीं है। राजेश्वरी बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। मुंह खोलता तो आफ्टर ऑल स्टूडेंट, आफ्टर ऑल स्टूडेंट कहता रहता है ना, तो जैसे को मारने के लिए हर स्टूडेंट शंकर बनेगा।